गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम आप लोग जानते हुए दोस्तों एकेडमी यूपीएससी। तो आप मेरे साथ हो, सुमित राठी चौधरी साहब के साथ हो दोस्तों आप। सो करंट अफेयर क्विज शो हम करने वाले हैं, तारीख आज 30 अप्रैल है दोस्तों। और ये जो कोर्स है हमारा, ठीक है, अगेन मिस्टेक कर दिया यार, ये समझाना पड़ेगा हमारे जो कंटेंट राइटर है उनको, ठीक है, सॉरी कि यूपीएसई होता है नॉट यूपीएससी। बाकी ये दो यूपीएससी 2020, 2021 और 2021 और कुछ मिला लो 2022, तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। सुमित 10 क्या है दोस्तों? ये मेरा रेफरल कोड है। जब भी आप अन अकेडमी पे जाते हो तो आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। सपोज मैं अगर बताऊं आपको, 2 ईयर का प्रोग्राम अभी अन अकेडमी के ऊपर दोस्तों कितने में है, अगर ये मैं बात करता हूं तो अभी ये 92,000 के अंदर चल रहा है। बट मैं क्या कर बता रहा हूं आपको, अभी अन अकेडमी ने एक स्पेशल डिस्काउंट दिया हुआ है 52,000 का, 52,000 में आपको कंप्लीट 3 ईयर पैकेज मिल रहा है दोस्तों। इसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, मेरा कोड क्या है दोस्तों, सुमित 10, आप में अगर सुमित 10 कोड यूज करते हो तो आपको ये कोर्स मिलेगा सिर्फ 43,200 में। देखो दोस्तों, सुमित 10 का फायदा एक तो ये है डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट आपको किसी भी कोर्स से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पर जो दूसरा फायदा है वो क्या है दोस्तों, दिस इज पर्सनल गाइडेंस। मैं आपको भरोसा देता हूं किसका दोस्तों, पर्सनल गाइडेंस का। पर्सनली मैं आपको थ्रू आउट द प्रोसेस क्या करूंगा, गाइड करूंगा, हेल्प करूंगा, ये मेरी आपसे दोस्तों प्रॉमिस है। एक एक बच्चे का जो पर्सनल डाउट है, सब की सब चीजें मैं पर्सनली हैंडल करूंगा। आप लोगों को मेरा एक्सेस 24/7 रहेगा दोस्तों, आपका पूरा डेटा मेरे पास रहेगा, मैं मॉनिटर कर सकता हूं आपकी परफॉर्मेंस, इवैल्यूएट करूंगा और कंप्लीट आपको मैं क्या करूंगा दोस्तों, गाइडेंस दूंगा। दोस्तों मैंने इस एग्जाम को 2 बार बहुत नजदीक से देखा है, क्वालिफाई मैंने इस एग्जाम को किया है दोस्तों। सो मैं चाहता हूं अपने एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करूं और आपको भी मैं अपनी फील्ड में नंबर 1 तक लेके जाऊं। चलिए दोस्तों, क्रैक प्रीलिम्स यूपीएससी एज प्रोग्राम मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ सिलेक्शन, ये मैंने स्टार्ट किया था 2 मार्च से आपकी सिलेक्शन को एनहांस करने के लिए, आपके परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। यहां पर यूट्यूब प्रोग्राम था जहां पर हम बेस बिल्डअप करने का काम कर रहे थे। मैं यहां पर एनवायरनमेंट, फिजिकल ज्योग्राफी और करंट अफेयर आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं दोस्तों, किस पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, प्लस प्लेटफॉर्म पर मैं कुछ और भी सब्जेक्ट जो है वो आपको कराऊंगा। सो दोस्तों 2 मार्च से ही हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, बाकी इसी प्रोग्राम के अंदर में हमने इसको प्लस पे लेके आए हैं तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर। सो वहां पर दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी बहुत दिनों से डिले चल रहा था, मैंने बताया था मेरी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर काम चल रहा है दोस्तों, आज फाइनली ये लाइव हो जाएगा और मैं एक स्पेशल सेशन भी करूंगा जिसके अंदर में इसका लिंक आप सभी लोगों को शेयर करूंगा, लिंक शेयर करूंगा। जिन बच्चों के पास है दोस्तों उनको एनरोल कर लेना है, जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है वो जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और बाकी जो बच्चे हैं वो यहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर फ्री क्लासेस। बहुत सारे हम फ्री क्लास जो है मैं यहाँ पे कंडक्ट करूंगा दोस्तों, सो उसके लिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो एक मैं फ्री क्लास करके आपको मैं यहाँ पर लिंक जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, सो दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी का एक कोर्स है जो मैं बात कर रहा हूँ आपका, ये लाइव हो चुका है, आज से जल्दी जाइए दोस्तों इस कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एनरोल कर लीजिए। आपको याद रखना है रेफरल कोड क्या यूज करना है दोस्तों, सुमित 10 रेफरल कोड है, आपको इसी को इस्तेमाल करना है। जब ये कोड आप यूज करोगे सो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ ही साथ मिलेगा दोस्तों मेरा भरोसा आपके साथ, हमेशा मैं कदम कदम पर साथ रहूंगा, आपको पर्सनली जो है दोस्तों मैं गाइड करूंगा। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर जाओगे आप तो इंडियन ज्योग्राफी का भी मेरा कोर्स है, वहां पर इकोलॉजी का भी कोर्स है जो मैं आपके लिए सैटरडे और संडे में लेके आता हूं। इवनिंग क्लासेस होती है हमारी 7 to 9 PM एक क्लास हम करते हैं दोस्तों। और यहां पर भी अगर मैं बात करूं तो सुमित 10 मेरा यहां पर भी प्रोमो कोड है, आप इसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हो जाके दोस्तों, आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा प्लस साथ साथ क्या मिलेगा दोस्तों, आपको भरोसा मेरे साथ पूरी अपनी तैयारी करने का। चलिए आज की जो पहली न्यूज है, पहला जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। इट इज रिलेटेड टू द इंडियन इनिशिएटिव ऑन द अर्थ बायोजीनोम सिक्वेंसिंग। आपको कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों, अपने अर्थ के ऊपर जितने भी नॉन प्लांट और जो जीव है ना, हम उनकी जीनोम सीक्वेंसेस करने वाले हैं, हम उनके जेनेटिक मेकअप की सीक्वेंसिंग करने वाले हैं, हम उनके जीन चेक करने वाले हैं कि कैसे वो जीन्स हैं। तो इसके लिए हम पूरा अर्थ के ऊपर जितनी भी स्पीसीज है, चाहे वो प्लांट स्पीसीज हो चाहे एनिमल स्पीसीज हो, उनकी हम जीनोम सीक्वेंसिंग जो है करने वाले हैं। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों ये, ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के बारे में हम जो है थोड़ी सी बातचीत यहां पर करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिया इनिशिएटिव ऑन द अर्थ बायोजीनोम सीक्वेंसिंग, पृथ्वी बायोजेनिक अनुक्रमण पर भारतीय पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च न्यू दिल्ली इज अ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर दिस इनिशिएटिव। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली प्लांट जीनोम रिसर्च सेंटर नई दिल्ली में जो है वो इसका समन्वय केंद्र है। तो ये बात एकदम से सही है, बिल्कुल सही कह रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द प्लांट जीनोम रिसर्च है ना नई दिल्ली के अंदर, वो बेसिकली इसकी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। कौन सा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, ये याद रखना आपको, ठीक है। इसके बाद हम कह रहे हैं कि IIESBS प्रोजेक्ट जो है वाज अ पार्ट ऑफ द अर्थ जीनोम, अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट्स
एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स टू कैटलॉग द लाइफ ऑन द प्लांट। ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है दोस्तों, एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव का हिस्सा है ये, जिसके अंदर हम जितने भी पृथ्वी पर आपके जो आपके जीव है, पृथ्वी पर जितना भी जीवन है उनको हम सूचीबद्ध करने वाले हैं, उनके हम जेनेटिक मेकअप जो है देखने वाले हैं। सो ये भी एकदम बिल्कुल क्या सही है। इट एम्स टू डिकोड द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, एज आई टोल्ड यू हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की डिकोड करेंगे फॉर ऑल दी स्पीसीज ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल लाइफ। ये भी बिल्कुल सही बात है दोस्तों, तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। आपसे पूछा इनकरेक्ट, बिकॉज तीनों की तीनों सही है तो इसका जवाब क्या होगा, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ऊपर में कोई भी करेक्ट जो है इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो अब ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिक गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इसको सेलेक्ट किया गया है एज वन ऑफ द बायोलॉजिकल नॉलेज एंड रिसोर्स सेंटर ऑफ द इंडियन इनिशिएटिव ऑन द अर्थ बायोजीनोम सीक्वेंसिंग। सो IIEBS जो हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं दोस्तों, उसमें जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिक गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट किया गया है एज अ पार्टनर। ओके, बात समझ में आ रही है आपको। चलिए अब इसमें हम करेंगे क्या, इस प्रोजेक्ट का एम क्या है। देखो हम ना दोस्तों जेनेटिक, आपको जीन जीन का पता चल ही जाएगा, ठीक है, जेनेटिक मेकअप का पता चल जाएगा। इसके द्वारा हम ऐसी ऐसी थेरेपी डेवलप कर सकते हैं दोस्तों जो कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज कर सकते हैं, ठीक है। हम प्रेडिक्टिव डायग्नोसिस करेंगे और हम प्रिसीजन मेडिसिन के ऊपर यहाँ पर काम कर सकते हैं। 22 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन जो इसके अंदर आपका हेल्पफुल है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज इनिशिएटेड दिस प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस वो इस प्रोजेक्ट को जो है इनिशिएट कर रहा है दोस्तों। 10,000 नंबर ऑफ द इंडियन हुज जीनोमिक डेटा विल बी कैटलॉग इन द फेज वन। इंडिया के में 10,000 बंदे होंगे जिनका पहले फेज के अंदर डेटा जो है कैटलॉग किया जाएगा। सो IIEBS सीक्स टू डिकोड द जेनेटिक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द नॉन स्पीसीज, मैं बता ही चुका हूं आपको, ठीक है। ये भी हम बता चुके हैं कि होल जीनोमिक सीक्वेंस ऑफ द 1000 स्पीसीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स विल बी टेकन अप इन द इनिशियल फेज ऑफ IIEBS टू बी कंप्लीटेड ओवर अ पीरियड ऑफ द 5 ईयर। ये बात भी बिल्कुल क्या है दोस्तों, सही है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द प्लांट जीनोम रिसर्च न्यू दिल्ली इज कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर द नेशन वाइड प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग अ टोटल 24 इंस्टीट्यूशन, ठीक है। लगभग इसमें 24 इंस्टीट्यूशन है जो इसमें इन्वॉल्व है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कासोवाल ब्रिज की। कासोवाल ब्रिज जो है ये बनाया है दोस्तों BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। देखो पंजाब के अंदर में एक पार्ट है तो वो इंडियन मेनलैंड से, बॉर्डर एरिया है दोस्तों, वो इंडियन मेनलैंड से कवर नहीं था, ठीक है। ये एक छोटा सा एरिया था, ठीक है, ये इंडियन मेनलैंड से, भारतीय मेनलैंड से कवर नहीं था, क्योंकि बीच में रिवर थी आपकी, ठीक है। पंजाब 5 नदियों का देश हम कहते हैं, पंजाब JCRBS, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, आप जानते ही हो। सो एक नदी जो है वो इसको पूरा कंप्लीटली अलग करती थी, किससे अलग करती थी, मेनलैंड भारत की मुख्य भूमि से। सो उसको परमानेंटली जोड़ दिया है दोस्तों किसके द्वारा, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एक परमानेंट ब्रिज उसके ऊपर एस्टैब्लिश कर दिया ताकि इस एरिया को परमानेंटली क्या किया जा सके, कनेक्ट किया जा सके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कासोवाल ब्रिज विच वॉज ऑफन रिसेंटली। द ब्रिज वॉज बिल्ट बाय द बॉर्डर रोड टास्क फोर्स BRTF ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अंडर द प्रोजेक्ट चेतक। प्रोजेक्ट चेतक के अंदर इस पुल का निर्माण जो है वो किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, इट इज अ परमानेंट ब्रिज ऑन द रिवर सतलुज कनेक्टिंग द एनक्लेव इन द पंजाब टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। दोस्तों ये सतलुज नदी पर एक स्थायी पुल है जो पंजाब के एक हिस्से को बाकी देश से जोड़ता है। कासोवाल ब्रिज इज ऑन द रिवर सतलुज विच इज द वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर इंडस। पहले देख लेते हैं क्या वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है या नहीं है, ठीक है। सो नहीं है, आपको पहले ही पता है वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी वो नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ इंडस नदी की, ये ईस्टर्न मोस्ट आपका साउथ की साइड में, तो ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप में गलत है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो जिसमें तीन आएगा वो तो गलत हो गया, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इसमें भी आ गया, सो ओनली वन। अगर ज्योग्राफी की नॉलेज है आपको, करंट अफेयर नहीं भी पता तो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो इंडस नदी ऐसे जाती है, उसके बाद में झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और सतलज का नाम आता है। तो अगर ईस्ट वेस्ट भी देखो ना, तो ये क्या है दोस्तों, दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी। नॉर्थ से साउथ में आओगे तो सबसे साउथ में पड़ती है, ठीक है। तो वैसे भी अगर आपको ज्योग्राफी की नॉलेज है तो भी आप कर दोगे। आजादी के बाद पहली बार ये पाकिस्तान बॉर्डर पे एक जो गांव है मैंने बताया पंजाब का, इसको परमानेंटली जोड़ा गया है इस BRO के प्रोजेक्ट के द्वारा। यहां पर देख सकते हो दोस्तों, अगर ये झेलम नदी है तो वेस्ट में तो इसके कोई ट्रिब्यूटरी है ही नहीं इंडियन। सो बात में करूं तो ये सबसे इसकी क्या है दोस्तों, ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो है। कासोवाल एनक्लेव जो है ये पंजाब में है, एंड इट इज गॉट कनेक्टेड परमानेंटली फ्रॉम द मेन लैंड विद द बॉर्डर रोड। BRO जो है ओपन 484 मीटर कासोवाल परमानेंट ब्रिज ऑन द रिवर रावी, रावी नदी पर है ये, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। द ब्रिज वॉज बिल्ट इन 118, ये किसने किया है, प्रोजेक्ट चेतक के अंडर बनाया, किस यूनिट ने बनाया वो आपको बताया गया है। चलिए अगर बात करते हैं नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी एंड द सिटी कंपोस्ट स्कीम अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। दोस्तों एक बात आप सभी लोग जानते हो, भारत के अंदर में फर्टिलाइजर के ऊपर बहुत हैवी सब्सिडी जो है सरकार देती है।
भारत में जो एग्रीकल्चर है 60% लोग जो है उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, तो उन लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार जो है स्कीम के साथ आती है कि जितने भी लोग हैं उनको आपका क्या मिलती है, आपका सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जाती है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, अब जो है इसमें समय समय पर बदलाव होता रहता है। अब जो हम बात कर रहे हैं हम वो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के मॉडल के ऊपर हम आ गए। हम बिल्कुल ब्लैंकेट सब्सिडी नहीं दे रही सरकार, न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी दे रही है। सो क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं चलो। कुछ स्टेटमेंट है आपको एनालाइज करनी है बताना है। द एनबीएस स्कीम सब्सिडी वॉज बी डिसाइडेड बाई एनुअली बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। कह रहा है कि उर्वरक विभाग द्वारा एनबीएस योजना सब्सिडी का निर्णय एक साल में दो बार लिया जाता है। ठीक है, गलत है। ठीक है, गलत है। अंडर द स्कीम अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द सब्सिडी इज प्रोवाइडेड ईच ग्रेड ऑफ द सब्सिडाइज्ड फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर। बिल्कुल सही बात है, फॉस्फेट एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर के अंदर होता है, इसके अंदर यूरिया इन्वॉल्व नहीं होता। यूरिया के अंदर में मिनिमम रिटेल प्राइस जो है वो सरकार फिक्स करती है और डायरेक्ट बेनिफिट जो है डीबीटी के द्वारा वो ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, सो अंडर द स्कीम अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द सब्सिडी इज प्रोवाइडेड टू द ईच ग्रेड ऑफ द सब्सिडी सब्सिडाइज फॉस्फेटिक एंड द पोटेशिक पी एन के, पी मतलब फॉस्फरस, के मतलब पोटेशियम फर्टिलाइजर। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन 2015, ये भी गलत है। सो सही सवाल क्या होगा, जवाब क्या होगा, ओनली बी, सेकंड इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। अभी न्यूज में क्यों था एक्सप्लेनेशन देखू तो मैं, द कैबिनेट मिनिस्ट्री कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हैज रिसेंटली स्लैश द सब्सिडी ऑन द न्यू यूरिया फर्टिलाइजर, अ मूव दैट वुड रिड्यूस द बर्डन ऑन द एक्सचेकर टू द रेस 22। 22 रुपए तक जो है, 22,000 सॉरी गाइस, तबीयत थोड़ी सी यार फिर से खराब हो रही है, पता नहीं क्यों। ठीक है, सो इतना करोड़ रुपए जो है वो इस फिस्कल के अंदर में दोस्तों सब्सिडी स्लैश हो जाएगी, क्योंकि पता है COVID-19 ने तो वैसे ही दोस्तों खर्चे बढ़े हुए हैं, है ना, और इस केस में तो सरकार चाहती है कि मैक्सिमम जो है खर्चा कम किया जाए। ये पूरा का पूरा प्लान है दोस्तों। पर किलोग्राम पर केजी सब्सिडी रेट कितना है, नाइट्रोजन के ऊपर हम 18 रुपए के 19 रुपए के आसपास दे रहे हैं, फॉस्फरस के ऊपर 15 रुपए, पोटास के ऊपर 11 रुपए, सल्फर के ऊपर में अब लगभग 3 रुपए जो है वो हम सब्सिडी दे रहे हैं। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फॉर द फॉस्फेटिक एंड द पोटेसिक फर्टिलाइजर, ये पीआईबी के अंदर है आपका कैबिनेट डिसीजन July 31, 2019 की ये बात है दोस्तों। पर केजी सब्सिडी रेट प्रायर टू द नोटिफिकेशन विल रिमेन सेम एज दैट ऑफ द ईयर 2018-19, द एक्सपेक्टेड एंड एक्सपेंडिचर ये रिलीज किया दोस्तों इतने का रहेगा, और ये पूरी की पूरी न्यूज जो है आपको बता दी गई है मैंने। ठीक है, हैज अप्रूवल प्रपोजल द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर फॉर फिक्सिंग ऑफ द न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडीज पी एन के फर्टिलाइजर, द अप्रूवल ऑफ द एनबीएस इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन विल बी एज अंडर, ये आप देख सकते हो। सो सीसी हैज अप्रूव्ड द स्कीम, ये हमने बता दिया आपको, ऑलरेडी कवर कर लिया है। चलिए, ये बात है आपका आपका कंटिन्यूएशन ऑफ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी एंड द सिटी कंपोस्ट स्कीम टिल इतना। सो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है अप्रूव द प्रपोजल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर कंटिन्यू द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, जो उसको कंटिन्यू करने की बात बोली गई है सिटी कंपोस्ट बियॉन्ड द 12th 5-year plan, 12वें 5-year plan के बाद भी इसको कंटिन्यू करने की जो बात है वो की गई है। ठीक है, ये हमने बात ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, क्या होगा ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इन केस ऑफ यूरिया द गवर्नमेंट फिक्स द मिनिमम रिटेल मैक्सिमम रिटेल प्राइस, बता रहा मैंने एमआरपी फिक्स करती है सरकार। ठीक है, चलिए, पीएम स्वामित्व स्कीम 2020 और ई ग्राम स्वराज पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन। आपको याद होगा दोस्तों अभी इस बार जो हमारा पंचायती राज डे था 24th of April को, उस दिन भारत सरकार के द्वारा या मैं कहूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक पोर्टल जिसका नाम था पीएम स्वामित्व ऐप, ठीक है, और स्वामित्व स्कीम, और दूसरा था ई ग्राम स्वराज पोर्टल और एक मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च की गई थी। ठीक है, सो स्वामित्व स्कीम जो थी तो लैंड रिकॉर्ड्स के लिए की गई थी। ठीक है, जो लैंड पर जो मालिकाना हक है जमीन पर उसको करने के लिए, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, उसको अच्छे रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। और जो ग्राम स्वराज पोर्टल और ग्राम स्वराज ऐप थी दोस्तों ये किसके लिए थी कि सरकार जो है वो एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म दे पाए पंचायती राज को फॉर देयर डेवलपमेंटल स्कीम एंड प्रोग्राम, ये हम बात कर चुके हैं। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्वामित्व स्कीम, स्वामित्व स्कीम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्वामित्व स्कीम इज इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायती राज एंड इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बिल्कुल गलत बात है। ये बात पहली लाइन तो सही लिखी है इसने, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा, बट इंप्लीमेंटेड भी उसी के द्वारा की जा रही है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। द स्कीम विल प्रोवाइड ग्राम पंचायत अ सिंगल इंटरफेस टू प्रिपेयर द इंप्लीमेंट द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। पता क्या कह रहा है, यह योजना ग्राम पंचायत को अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार और कार्यान्वित करने के लिए एक एकल इंटरफेस प्रदान करता है। दोस्तों ये काम तो हम ग्राम जो स्वराज पोर्टल है उससे कर रहे हैं, तो ये काम स्वामित्व से थोड़ी ना कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया।
तो सही स्टेटमेंट क्या है इसके अंदर? नन, कोई भी इसमें से सही नहीं है, डी इज नॉट करेक्ट, डी कोई द स्वामित्व स्कीम जो है ये मैंने बताया इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन भारत के अंदर, स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान जो है वो प्रदान करती है, ये स्वामित्व योजना है। लॉन्च बाय द नेशनल पंचायती राज डे ऑन द पायलट बेसिस इन द सिक्स स्टेट, मैपिंग ऑफ रूरल इनहेबिटेड लैंड थ्रू द ड्रोन्स एंड द न्यू टेक्नोलॉजी, टाइटल डीड्स टू बी इश्यूड ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग, मैं सारी बात आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, मॉर्निंग करंट अफेयर में हम कवर कर चुके हैं। दिस इज अबाउट द ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ठीक है, ये भी देख सकते हो आप क्या क्या होगा, फाइनेंसिंग अकाउंटिंग जियो टैगिंग ऑफ असेट प्रोग्रेस रिपोर्ट है ना, एक सिंगल प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड कर दिया है ग्राम पंचायत को ताकि वो क्या कर पाए दोस्तों, एक ही प्लेटफॉर्म से आपका काम कर पाए। पंचायती राज आपका पंचायती राज डे के ऊपर हुआ है, पंचायती राज डे के, और इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, पंचायती राज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑन द सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। द डिमार्केशन ऑफ द इनहेबिटेटेड लैंड इन द रूरल एरिया वुड बी डन बाय यूजिंग द लिटिंग सर्वेइंग मेथड, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी का इसमें यूज होगा, कोलैबोरेशन एफर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड सर्वे ऑफ इंडिया, इन सबका मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन है। ऑपरेशन ट्विस्ट की मैं बात कर रहा हूं, ऑपरेशन ट्विस्ट आपने पहले भी न्यूज में देखा होगा दोस्तों, ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है, ये आरबीआई करती है, मैं बता देता हूं कौन करती है, आरबीआई। क्यों करती है पता है, लिक्विडिटी के लिए करती है। देखो आरबीआई का तो काम है ना दोस्तों, लिक्विडिटी मतलब क्या, आपका तरलता को मेंटेन करना, तो आरबीआई क्या करती है लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, आरबीआई दोस्तों काम क्या करती है, आरबीआई अपना जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो सेल और परचेज करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल भी करती है और परचेज करती है। आपको पता होना चाहिए परचेज कब करेगी और सेल कब करेगी, सेल करेगी आरबीआई, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर रहा है, सेल कर रहा है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले रहा है और मार्केट में बेच रहा है, तो जो लोग खरीदेंगे वो पैसा देंगे आरबीआई को, है ना, बैंक पैसा देंगे, सो इससे मार्केट से लिक्विडिटी क्या होगी, रिड्यूस करनी हो, जब ये करना होगा तो मार्केट से वो रिड्यूस करेगी लिक्विडिटी को, और जब परचेज करेगी तो आरबीआई परचेज करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो पैसा देगी, तो ये क्यों किया जाता है दोस्तों आपका, ये लिक्विडिटी एनहांस करने के लिए किया जाता है, लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, मार्केट में पैसे की सप्लाई बढ़ाई जा सके। सेल परचेज कब होता है पता चल गया, इसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ, जब आरबीआई मार्केट में खुले में जाके सरकार की सिक्योरिटी बेचे और खरीदने लगे तो उसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ, इससे क्या होता है लिक्विडिटी को बढ़ाया और लिक्विडिटी को घटाया जाता है, ठीक है। अब ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या होता है, दोनों काम एक साथ होते हैं दोस्तों, लिक्विडिटी को आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल भी किया जाता है और परचेज भी किया जाता है, बात समझ में आ रहे हो आप, दोनों काम एक साथ जब करते हैं तो उसी को बोलते हैं हम ऑपरेशन ट्विस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डन बाय द आरबीआई ड्यूरिंग द ऑपरेशन ट्विस्ट, कौन से काम जो है इसके द्वारा किए गए हैं, पहली बात सो क्या है, सेलिंग एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लंबी अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री, बाइंग ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, सेलिंग ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, बाइंग ऑफ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनमें से कौन सा काम जो है किया गया, मल्टीपल ऑप्शन है दोस्तों, सो सही ऑप्शन है इसका सेकंड एंड थर्ड, बाइंग ऑफ लॉन्ग टर्म, सरकार ने लंबे टर्म की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उनको खरीदा और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को क्या कर दिया, उनको बेच दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर द ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ फॉर 10,000 करोड़ ईच ऑन अप्रैल 27, 2020। 27 अप्रैल 2020 को फिर से कहा है सरकार ने कि वो 10,000 करोड़ के ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो करने वाले हैं, कंसिडरिंग दैट द करंट एंड इवॉल्विंग लिक्विडिटी एंड द मार्केट ऑपरेशन, अभी क्योंकि मार्केट की हालत खराब है कोविड 19 के चलते आप समझ रखते हो, है ना। तो ये है दोस्तों ट्विस्टेड डाउन 10-ईयर यील्ड बॉन्ड, ये खैर थोड़ा सा आपको इसका इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए, बट फिर भी मैं ब्रॉड आपको बात बता चुका हूं। ऑपरेशन ट्विस्ट जो पहली बार किया था ना वो 1961 में किया गया था, किसके द्वारा, यूएस फेडरल रिजर्व सेंट्रल बैंक के द्वारा, वे टू स्ट्रेंथन द यूएस डॉलर एंड स्टिमुलेट द कैश फ्लो इन द इकोनॉमी, इसके लिए दोस्तों ये आपका किया गया था ऑपरेशन ट्विस्ट, ये पूरा कॉन्सेप्ट है आप देख सकते हो, इसके बारे में कंप्लीट बातें हमने यहां पर बता दी है। इसके अंदर हम ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सेल भी करते हैं और परचेज भी करते हैं एक साथ, सेल किसको किया हमने शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को, और परचेज किसको किया है दोस्तों लॉन्ग टर्म को, ठीक है, समझ में आ गई होगी आपका आई होप ये चीज। सो दोस्तों ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, जल्दी से यहां फॉलो कर लो मुझे, sumit.rathi03। दोस्तों ये क्यों कह रहा हूं पता है, यहां पर हमारी बहुत सारी यार पढ़ाई के अलावा बहुत सी चीजें हैं, यहां पर आप लोगों मेरे को फॉलो करो, यहां पर मैं एक आपको बढ़िया सा मस्त सा एक सॉन्ग मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है, जल्दी एक स्टोरी के ऊपर आपको मिलेगा। और ये मेरी दोस्तों फेसबुक पेज है मेरा सुमित राठी सर UPSC, इसको आप फॉलो कर सकते हो, है ना, ऐप आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए दोस्तों, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आप सभी से मैं चाहता हूँ, एक एक स्टूडेंट से मैं पर्सनली जुड़ा रहूँ आप लोगों से, इसलिए मैं ऐसा चाह रहा हूँ।
आपको कोई भी डाउट हो, आपका अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना हो, कोई और दिक्कत हो, कोई और समस्या हो लाइफ के अंदर, तो आप मेरे को यहाँ पर एक मेल भी ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है, sumitrathi3@gmail.com या sumit.kumar@wifistudy.com पर, ठीक है। आप मेरे को टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो दोस्तों, टेलीग्राम पर फॉलो कर लो, मेरा चैनल है सुमित राठी UPSC। फायदा क्या होगा, यहां पर मैं आपको PDFs जो है वो यहीं पे प्रोवाइड करता हूं दोस्तों, फटाफट यहां पे मेरे को फॉलो कर लो। चलिए ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दैट क्लास, बट एक और बात बता देता हूं मैं, जो बच्चे मुझे अनअकैडमी पे ज्वाइन करना चाहते हैं, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करो, गोल में UPSC चूज करो, यहां पर जाओगे गेट सब्सक्रिप्शन, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है दोस्तों, 43,200 में आपको 2 साल पढ़ने को मिल रहा है। और क्या चाहिए दोस्तों, इसके लिए कोड क्या यूज करना है आपको, सुमित टेन जैसे यूज करोगे यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट और ये कोर्स मिलेगा आपको 43,200 के अंदर। याद रखना कोड हमेशा आपको सुमित 10 ही यूज करना है, क्योंकि अगर आप चाहते हो पर्सनल गाइडेंस बाय मी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कोड क्या यूज करना है दोस्तों, सुमित 10। चलिए ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग द टुडेज क्लास, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं 8 बजे करंट अफेयर में, उसके बाद जून करंट जुलाई करंट अफेयर की सीरीज के अंदर, और उसके बाद हम एनवायरमेंट में। चलिए दोस्तों, टेक केयर, बाय।